दशक की फिल्मों में विलेन का कद हीरो के बराबर तक पहुंच चुका था। पर्दे पर क्राइम और पैसे की चौंध के बीच बस कमी थी तो सिर्फ ग्लैमर की। फिर अचानक फिल्मों में आइटम सॉन्ग का दौर आया और इसने जन्म दिया हेलन को। पिया तू अब तो आजा। 19 साल की हेलन पर बस नजरें ठहर जाती थी। उनके डांस में नजाकत और खुशी थी। जब वो थिरकती थी तो दर्शक झूमने पर मजबूर हो जाते थे। हेलन के बर्थडे के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हेलन 21 नवंबर 1938 में रंगून बर्मा में जन्मी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलन के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके परिवार की दिक्कतें बढ़ गई थी। 1943 में उनका परिवार बॉम्बे आ गया था। हेलन ने फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान अपने भारत आने के दर्दनाक सफर के बारे में खुलकर बात की। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने से हेलन ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और परिवार के कामों में हाथ बढ़ाते। जब जापान ने बर्मा पर कब्जा किया तो हेलन का पूरा परिवार मुंबई की ओर चल दिया। यात्रा के दौरान उन्हें जंगलों और गांवों से गुजरना पड़ा। हेलन की माँ और दोनों भाई बहन भूख से बिलख रहे थे तो वहाँ के गांव वालों ने उन्हें अपने घर पर रखा और खाना दिया। मुंबई की मंजिल अभी दूर थी, इसलिए हेलन की मां ने कोलकाता में रुकने का फैसला किया। वो वहां पर नर्स का काम करने लगी। हेलन और उनके भाई बहन को स्कूल भेजा गया, लेकिन मां की सैलरी से घर का खर्चा निकालना मुश्किल था। कोलकाता में रहने के दौरान हेलन की मां की मुलाकात कुक्कू मोरे से हुई, जो फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर थी। हेलन घर चलाने के लिए नौकरी ढूंढ रही थी, तब कुकू ने हेलन को फिल्मों में कोरस डांसर की नौकरी दिलवाई। हेलन के आते ही कुकू का चाउम फीका पड़ने लगा और हेलन ने अपनी जगह बना ली। 19 साल की उम्र में हेलन को फिल्म हावड़ा ब्रिज में बड़ा ब्रेक मिला। इस फिल्म के गाने मेरा नाम चिन चिन चू ने हेलन की किस्मत बदल डाली। इसके बाद तो वो बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल बन गयी। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। हेलन अपने डांस के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। जब भी वो घर से बाहर निकलती थी तो बुर्का पहन लेती थी। 1957 में हेलन ने खुद से 27 साल बड़े डायरेक्टर पीएन अरोड़ा से शादी कर ली, लेकिन ये 16 साल की शादी हेलन के 35वें बर्थडे के दिन टूट गई। हेलन ने पीएन अरोड़ा से इसलिए तलाक ले लिया क्योंकि वो उनके पैसे उड़ाते थे। पति के खर्च के चलते हेलन दिवालिया हो गई। साल 1962 में फिल्म काबिल खान के दौरान सलीम खान की मुलाकात हेलन से हुई। हेलन इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखते ही सलीम दिल दे बैठे। उस वक्त सलीम पहले से ही शादीशुदा थे। फिल्मों में काम नहीं मिलने से हेलन इतनी परेशान रहने लगी थी कि वो आत्महत्या करने की सोचने लगी। लेकिन उस वक्त उनके जीवन में दोस्त के रूप में प्यार बनकर आए सलीम खान। ऐसे में उन्होंने हेलन को संभाला और शादीशुदा होते हुए भी हेलन को अपना जीवन साथी बना लिया। चूँकि सलीम पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता थे, इसलिए सलमान खान और उनके परिवार को उनका ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं था। लेकिन वक्त के रहते रहते सभी हेलन के करीब हो गए और आज सलमान और हेलन का रिश्ता काफी अच्छा है। हेलन को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। रिपब्लिक हिंदी परिवार की ओर से हेलन को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करते समय घंटी बजाना ना भूलें।